और मेरे किरदार को मेरे दीन ने बचाया, मेरे मर्दों को कॉन्फिडेंस आया मुझ पे। और जब एक बाकिरदार औरत अपने किरदार की सरबुलंदी के साथ आगे बढ़ी, मर्द का कलीदी रोल। इसलिए डॉक्टर राशिदा कुरैशी हमारे दोस्त, ये इंशाल्लाह अपने एक्सपीरियंस में बताएंगे। बहुत शुक्रिया तैयबा साहब, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप इस तरह से रोल मॉडल खवातीन को यहाँ पे बुला के एक बड़ी हेल्दी डिस्कशन जो है वो ब्रेक की है आपने। प्रोफेसर डॉक्टर हलीमा साहिबा यहाँ बैठी हैं, ये एक बहुत बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, मुंतजमा हैं, प्रोफेसर भी हैं और एक पूरी फैमिली को हेड कर रही हैं और अपने बच्चे तो क्या भांजे भतीजे भी माशाल्लाह प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर हैं। मैंने जो अभी सब बहनों की गुफ्तगू सुनी है, इसमें किसी का हस्बैंड किसी का बाप, मर्द ही पीछे है। मैं आपका जो नुक्ता निगाह औरत की अपनी ज़ात की तरफ ले जाना चाह रही हूँ, जिसको बुनियाद बना के हमारी जो मार्च करने वाली खवातीन हैं या खातून होने के नाते से खातून के रुतबे को एक्सप्लॉइट करती हैं। औरत बजाते खुद क्या है? अब इन सब के अंदर जो स्ट्रेंथ है, जैसे मेरी सब बहनों ने बताया कि मर्द की स्ट्रेंथ से वो आगे बढ़ती हैं, औरत की अपनी स्ट्रेंथ उसका सब्र है, उसकी बर्दाश्त है, उसका अपनापन है, अपनी पहचान है, अपनी खूबियों की पहचान है। औरत की खूबी ये है कि वो अपने रिश्तों से बगावत नहीं करती। जिस दिन वो बगावत करती है वो सड़क पे आ जाती है और सड़क पे उसी ट्रैफिक का तैबा हाल होता है जिस ट्रैफिक का आपने कहा कि कभी उसको ट्रक लगने की का खतरा होता है, कभी उसको तो फिर उसको अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो जो मुहाफिज है उस वो मर्द है, ये कुरान का है, मुहाफिज तो मर्द है। तो हम अपने ही मुहाफिज से कैसे जंग छेड़ सकते हैं? जब हम अपने मुहाफिज से जंग छेड़ते हैं तो हम अपने आप को ही बेपर्दा करते हैं। तो ये वाली चीज जो है ना, इसको समझना होगा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, सुन अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहने में कोई उजर नहीं, कोई मुझे परेशानी नहीं हो रही कि मैं एक सेल्फ मेड खातून हूँ। औरत को अगर इस्तेहसाल करती है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कर सकती है, वो अपने फाइनेंस से मजबूर हो के किसी भी गलत हाथ में आ सकती है। लेकिन औरत अगर अपने अंदर देखे तो आप सब बहनें अपनी मेहनत कर रही हैं और बहुत सी बहनें अपनी मेहनत से अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हैं। तो फिर मर्दों की डिपेंडेंसी का जो इस्तेहसाल का कॉन्सेप्ट हमें दिया जाता है वो क्या है? हमें रिश्तों की नहीं, अपनी आप कदर करनी पड़ेगी। रिश्तों की नहीं, औरत की कदर करें। जितने रिश्ते हैं वो तो अपने ताने बाने बुनते हैं, कोई इसलिए अपनी बहन की इज्जत करता है, उसकी बहन है, माँ की इज्जत करता है, उसकी माँ है। भाई औरत की इज्जत करें, वो चाहे तुम्हारी बहन है या माँ है। एडिशन करना चाहती हूँ कि औरत नहीं तो मर्द की तरबियत करनी है। तो अगर औरत माँ उसे डे वन से औरत का एहतराम करना सिखाए तो फिर इसी तरह के मर्द सामने आते हैं ना, जो हमारी पुश्त पे खड़े रहे, जिन्होंने हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद। तो गफलत मर्द का कलीदी रोल इसलिए मैं समझती हूँ नहीं है, औरत जिम्मेदार है। मैं एक मखलूत तालीम में यूनिवर्सिटी में इदारे में पढ़ती रही हूँ, एक मखलूत इदारे सहाफत में मैं काम किया है, मखलूत इदारे में मैंने 7 साल मर्दों में, मैं अकेली थी, मेरे साथ 22 मर्द थे एक दफ्तर में काम करते। फिर उसके बाद मैं बाहर के मुल्कों में गई हूँ, मैंने PhD किया बाहर के मुल्क से, अकेली ने ट्रैवल किया, मुझे कभी मेरे बाप ने, भाई ने, मेरे शोहर ने रुकावट नहीं दी, मेरे किरदार ने मेरा साथ दिया। बिल्कुल ये बात है ना, मुझे मेरे किरदार ने बचाया और मेरे किरदार को मेरे दीन ने बचाया। अपनी वैल्यूज के साथ आपने हायर एजुकेशन ली, ये ऐसा मैसेज। मैंने अपने किरदार से अपने आप को बचाया और मेरे किरदार को मेरे दीन ने बचाया, मेरे मर्दों को कॉन्फिडेंस आया मुझ पे। और जब एक बाकिरदार औरत अपने किरदार की सरबुलंदी के साथ आगे बढ़ती है तो फिर बाप भी, बेटे भी, भाई भी, सब अच्छे तरबियत याफ्ता हमारे सामने आते हैं। पहले औरत अपने किरदार को दुरुस्त रखे। थैंक यू वेरी मच। ये दिल तो चाहता है कि बहुत डिटेल में ये बताएं, चंद मसाले आपके सामने दी, प्रैक्टिकल औरतें जो घरेलू भी हैं और जो जॉब्स भी कर रही हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी में किस तरह तवाजन रखा है। तैयबा ज़ाया को आप इजाजत दें और तैयबा ज़ाया को ऑफिशियल यूट्यूब ज्यादा देखें, शेयर करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां, बहनें, बीवियां जो हैं वो बंदे की पुत्र बन जाएं।